बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ मुबीन, यू आर वाचिंग कसवाटेक। आज की वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन एमुलेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ दिनों से बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि यार हमें कोई ऐसा एमुलेटर बताएं जो हमारे लो एंड पीसी के लिए बेहतरीन हो। आज जो मैं आपको एमुलेटर बताने जा रहा हूँ, अगर आपके पीसी की 2 GB रैम है, लो एंड पीसी है, तो उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। आपको पता है विंडो 11 चल रही है, इसके अंदर तो एंड्रॉयड ऐप आप आसानी के साथ चला सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बना के दिया था आपको, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप विंडो 11 के अंदर एंड्रॉयड ऐप को कैसे चला सकते हैं। ऊपर आइकन निशान पर दे दूंगा, जिसने वो वीडियो नहीं देखा देख लें। लेकिन जिनके पास विंडो 11 नहीं है, लो एंड पीसी है, 2 GB रैम है, उनके लिए ये जो मैं आपको एमुलेटर बताने जा रहा हूँ, ये बहुत बेहतरीन है। ये कौन सा एमुलेटर है ये वीडियो में बताता हूँ। आप सबसे पहले कसवाटेक को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें। चले यहाँ से गूगल पर चलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आप लिखेंगे मोमू MU एमुलेटर, ये नीचे आ चुका है, ठीक है जी। आप इस पर क्लिक कर दें और ये जो पहली साइट ओपन होगी, ठीक है जी, www.momoglobal.com, आपने इसको ओपन कर लेना, ठीक है। ये साइट ओपन हो रही है, ठीक है। आप देखें ऊपर ये कह रहा है जी प्ले मोबाइल गेम्स ऑन पीसी, कि आप पीसी के अंदर मोबाइल गेम्स को खेल सकते हैं, ठीक है जी। और ये देखें इसके अंदर बहुत अच्छी एक ऑप्शन है 120 FPS, ठीक है जी। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है जो इसके अंदर आपको मिल रही है, स्मूथ एंड प्रिसाइज कंट्रोल, ठीक है जी। ये आप स्मूथ और प्रिसाइज कंट्रोल दे रहा है आपको, रन स्मूथली इवन आ लो स्पैक पीसी। ये देखें ये आपको कह रहा है जी अगर आपका पीसी लो है तो आप इसके अंदर स्मूथली इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ये देखें नो इंटरप्शन, 120 FPS बिग स्क्रीन है जी, एक्यूरेट, ठीक है जी। आइमिंग के आप के अदब को अच्छी तरह ये कवर कर लेता है, नो इंटरप्शन, कोई रिकावर नहीं देता, 120 FPS दे रहा है, बिग स्क्रीन दे रहा है। आपको पता है ये बहुत कमाल की चीज़ें आपको दे रहा है, ठीक है जी। ये परफेक्टली सपोर्ट फ्री फायर को कर रहा है, ठीक है जी। नीचे आप देखें तो ये आपको कह रहा है प्ले टन ऑफ मोबाइल गेम्स फॉर फ्री, कि आप प्ले टन की जो मोबाइल गेम्स हैं उनको आप फ्री में खेल सकते हैं। जैसे नीचे ये देखें ये पबजी वगैरह आप इनको फ्री में भी खेल सकते हैं, ठीक है जी। ये यूजर गाइड है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये ऊपर देखें ये आपको 3 ऑप्शन दे रहा है, आपने ये जो फ्री डाउनलोड वाली है ना, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ ये बेहतरीन वर्क आ रही है, मैं इनको भी यूज़ कर चुका हूँ, आपने इसको डाउनलोड करना है, ये स्मूथली रन कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं ये आपको बता दूँ, इसके नीचे अगर आप देखें तो ये आपको 3 ऑप्शन दे रहा है। पहली तो बता रहा है जी अगर आपका 64 बिट है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, अगर आपका 32 बिट है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। नीचे आप देखें ये आपको बता रहा है ऑफलाइन इंस्टॉलर 64 बिट, अगर आप 64 बिट है आपका तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये 4-5 MB की फाइल डाउनलोड होगी। उसके बाद ये बाद में खुद बहुत डाउनलोडिंग पे जब आप इसको इंस्टॉल करने लगेंगे तो ये डाउनलोड फाइल करने शुरू कर देगा और बहुत सारा टाइम लग जाता है। और ये जो ऑफलाइन इंस्टॉलर है ना, इनको अगर आपका 32 बिट है आप इसको डाउनलोड करेंगे या 64 को करेंगे तो ये तकरीबन कोई 700 MB के करीब फाइल बनती है, 680 MB की फाइल है ये। आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं, यह आपके ऊपर है, ठीक है जी। मैं ऑफलाइन भी इंस्टॉलर ये भी कर चुका हूँ और ये भी कर चुका हूँ क्योंकि मेरा 64 बिट है। आपका जो होगा 32 है, लो एंड पीसी अगर 2 GB रैम है तो आपका 32 होगा। ये आपको बड़ी अच्छी ऑप्शन दे रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ दोनों तरीके, 64 बिट पे करूँगा तो ये ऑप्शन आ जाएगी, आप ओके करेंगे, ठीक है। मैं कर चुका हूँ तो मुझे ये ऑप्शन दे रहा है, ये ऑफलाइन इंस्टॉलर है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें मैं दोनों कर चुका हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपको डाउनलोड की ऑप्शन दे देगा, ठीक है जी। मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ, ये देखें मेरे पास एक ये पड़ा हुआ है और ये डेस्कटॉप एक ये पड़ा हुआ है, ये मेरा ऑफलाइन इंस्टॉलर है और ये मैंने 4 MB का डाउनलोड किया। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से यस कर देंगे आप, अब आप देखें ये ऑप्शन चेकिंग हार्डवेयर इन्वायरमेंट का आ रहा है। उसके बाद ये कह रहा है जी क्विक इंस्टॉल पर क्लिक करें, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देखें ये पहले मेमो बॉक्स ये DL कंप्लीट करेगा, फिर ये डाउनलोड करेगा, फिर उसको इंस्टॉल बॉक्स को करेगा, फिर इंस्टॉल मोमो करेगा, फिर इंस्टॉल कम्प्लीट करेगा। ये काफ़ी सारा टाइम लगेगा और ये देखें 698 MB की ये फाइल है, ठीक है जी, तकरीबन 700 MB की फाइल है, ये डाउनलोड होगी तो फिर ये आपका रन करेगा। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है जी।
अब आप देखें, ये मैंने ऑफलाइन भी रखा हुआ है साथ, ये साइड ओपन हो रही है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने ऑफलाइन भी डाउनलोड किया हुआ है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, चेस की परमिशन दे दूंगा, ठीक है जी। ये कह रहा है जी क्विक इंस्टॉल पे क्लिक करें या कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करें, ठीक है जी। कस्टम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप अपना पाथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। आप इसके भी इसको भी इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगी, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ, ये ऑप्शन है, आप इनको रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते, ठीक है। ये सिस्टम वही है लेकिन ये फाइल डाउनलोड नहीं करेगा, सिंपल इंस्टॉल करेगा। ये देखें, ये कर भी चुका है। इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है जी। अब आप देखें, ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, ये हमारे आ चुके हैं, ठीक है जी। अब आप इनको ओपन कर सकते हैं, ये प्लेयर है और ये ड्राइव है, ठीक है जी। यस कर देंगे, ये हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो रहा है जी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे ये लॉगिन के ऑप्शन दे रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साइन इन करूंगा, ठीक है जी। मैं इसको जीमेल दे देता हूँ, आई एग्री पे क्लिक कर दें, ठीक है जी। मैं साइन इन कर चुका हूँ, एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है जी। अब आप अपनी मर्जी का इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ऑप्शन तमाम आ चुकी हैं। अब आप अपनी मर्जी की जो गेम खेलना चाहते हैं आप खेल सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये नीचे आपको तमाम ऑप्शन मिल रही हैं, होम की है, ठीक है जी। रिटर्न करने के लिए ये रिकॉर्ड स्क्रीन भी दे रहा है आपको, ठीक है। गेम रिकॉर्डिंग वगैरह, ये मल्टी इंस्टेंस मैनेजर, इस तरह इसको आप बड़ी स्क्रीन भी कर सकते हैं। ये ले आप यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यार आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कसवा टेक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।